अरे भाई, शेर के पिंजरे में आओगे तो मौत ही हाथ लागे है ना। मेरा काम जिस्म से रूह को अलग करना है। तो दोस्तों, ऐसे ऐसे भारी भरकम डायलॉग के साथ आज बॉलीवुड की क्वीन यानी कि कंगना रनौत की आने वाली अगली फिल्म यानी कि धाकड़ के ट्रेलर नंबर 2 को जारी किया जा चुका है। इस बात की जानकारी के साथ कि भाई, इस फिल्म में एजेंट अग्नि जो हैं वो अपने अग्नि वाले अवतार के माध्यम से बॉक्स ऑफिस पर एक्शन रूपी अग्नि बरसाती नजर आएंगी। तो भाई, कैसा है धाकड़ का ये ट्रेलर नंबर 2, चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस छोटे से रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस फिल्म का ये रिएक्शन आप लोगों के सामने रखूं, कि उससे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर एक बात के लिए माफ़ी मांगना चाहूँगा कि इन दिनों मैं थोड़ा स्लो हो गया हूँ। और दोस्तों, आपको तो पता ही है कि इस वक्त मैं बिहार आया हूँ, अपने गांव में हूँ और यहाँ से मैं एक नई शुरुआत करने वाला हूँ। यानी कि यहाँ पर हम अपना एक छोटा सा प्रोडक्शन हाउस डालने वाले हैं जिसमें हम छोटे मोटे कॉन्सेप्ट का काम करेंगे और उसके साथ भोजपुरी गानों को प्रोड्यूस करने की तैयारी में हम लोग जुटे हुए हैं। यानी कि भैया, यहाँ पर हम भोजपुरी गाने के वीडियो शूट भी करेंगे और उसके साथ नए गाने भी हम लॉन्च करने वाले हैं और कुछ यूनिक करने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं बिहार से। तो हमें आपके सपोर्ट की, आपके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि भाई हम बॉलीवुड में तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन मेरी सोच ये है कि भाई, छोटी ही इंडस्ट्री सही, लेकिन यहाँ से अगर मैं कुछ अच्छा कर पाया तो हो सकता है कि आपकी नज़र में मेरी काम की सराहना आप लोगों के माध्यम से मुझे ज़रूर मिले। तो आप अपना प्यार, अपना विश्वास, अपना सहयोग मेरे साथ हमेशा बनाए रखिएगा, क्योंकि एक छोटी शुरुआत करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ से और आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि आज कंगना रनौत की आने वाली इस फिल्म यानी कि धाकड़ के दूसरे ट्रेलर को जारी किया जा चुका है और आप लोगों ने पहला ट्रेलर तो देखा ही होगा धाकड़ का, जिसमें ये बात हमें साफ कर दी गई थी कि भैया, इस फिल्म में हमें कंगना रनौत का बहुत ही डिफरेंट अवतार देखने को मिलेगा, जो कि एक अंडरकवर एजेंट के रूप का होगा, जिसमें वो पापियों का सर्वनाश बहुत ही क्रूर अंदाज में करते नजर आएंगे। यानी कि भैया, इस फिल्म के जितने भी एक्शन सीक्वेंस हम लोगों के सामने पहले ट्रेलर के माध्यम से रखा गया, तो उसमें ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि इस फिल्म में बहुत ही हार्ड रोल करने वाली हैं कंगना रनौत। और पहले ट्रेलर में हमें एजेंट अग्नि के ही अवतार को दिखाने की कोशिश की गई थी कि भैया, इस फिल्म में कंगना रनौत का किरदार कैसा होगा। और आज जब इस फिल्म का दूसरा ट्रेलर हम लोगों के सामने आया है, तो उस ट्रेलर के माध्यम से इस फिल्म के मुख्य विलेन यानी कि अर्जुन रामपाल के किरदार को निखार कर बताने की कोशिश की गई है कि भैया, उनका किरदार इस फिल्म में कैसा होगा। यानी कि भैया, मैं अपने हर एक रिव्यू में एक बात आप लोगों से ज़रूर कहता हूँ कि भाई, जब तक विलेन दमदार ना हो तो हीरो को अपने पावर को दिखाने का अवसर सही तरीके से नहीं मिल पाता है। और भाई, आज जब धाकड़ का जो दूसरा ट्रेलर हम लोगों के सामने रखा गया है, उसमें एक बात तो साफ की गई है कि भाई, अर्जुन रामपाल जो हैं वो पूरे एजेंसीज के लिए सरदर्द है और भाई, इस सरदर्द को ठीक करने का जो जिम्मा है वो सौंपा जा रहा है किसे, तो भैया एजेंट अग्नि को। और एजेंट अग्नि कैसे इस शेर को, जो कि भैया खुलेआम लोगों को चुनौती दे रहा है कि भाई, शेर के पिंजरे में आओगे तो वहाँ तुम्हें मौत ही हाथ लगेगी, तो भाई इसके जवाब में एजेंट अग्नि जो है वो भी ये बात कहती नज़र आ रही है कि भैया, उनका काम है जिस्म से रूह को अलग करना। यानी कि भैया, बहुत ही ज़बरदस्त एक्शन है इस फिल्म में, स्टोरी लाइन बहुत ही अच्छा लग रहा है और सबसे बड़ी बात बताओ तो भैया, मुझे इस फिल्म का सिनेमेटोग्राफी बहुत ही पसंद आ रहा है। मेरे भाई, सिनेमेटोग्राफी बहुत ही शानदार है, पिक्चराइजेशन इस फिल्म को बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया। यानी कि भैया, कहीं से भी ये फिल्म बॉलीवुड की फिल्म तो नहीं लग रही मेरे भाई। यानी कि भैया, इस फिल्म का मेकिंग जिस तरीके से किया गया, ये फिल्म 101% हॉलीवुड की फिल्म का फील दे रही है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें भैया इस फिल्म के BGM की, तो BGM नो डाउट आउट ऑफ द बॉक्स है और एक्शन तो भाई लाजवाब है। यानी कि भैया, इस फिल्म के माध्यम से हम कहेंगे कि बॉलीवुड का मार्केट जो है वो एक बार फिर से खुलेगा और बॉलीवुड भी अच्छी फिल्में सिनेमाघर में देकर भैया पैन इंडिया मूवीज़ को चुनौती देगी। नो डाउट बॉस, ये ट्रेलर बहुत ही शानदार है और उस फिल्म को देखने के बाद वाकई में दिल से ये आवाज़ निकल रही है कि भाई, हमारे बॉलीवुड के बाकी मेकर्स भी इस तरह की फिल्में बनाएं ताकि हमें सिनेमाघर में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरटेनमेंट
मिल सके। वैसे आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि आपको एजेंट अग्नि का ये अवतार कैसा लगा, और भाई इस फिल्म में अर्जुन रामपाल को जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया उसको देखने के बाद आपको क्या लगता है, क्या अर्जुन रामपाल इस फिल्म में एजेंट अग्नि के पसीने छुड़ाने वाले हैं, अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों अंत में एक बार फिर से मैं वही बात आप लोगों से दोहराऊंगा कि भैया इन दिनों कुछ अपडेट जो है वो थोड़े से देरी से आप लोगों के पास आ रहे हैं, और इस वक्त मैं थोड़ा सा कुछ अलग काम में व्यस्त हूँ, और वो काम तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि हम यहाँ पर एक नया प्रोडक्शन हाउस का शुरुआत कर रहे हैं। अब कुछ दिनों बाद में हम लिंक भी आप लोगों को देंगे कि कैसे आप लोग मुझसे बिहार में जुड़ सकते हो। जब तक हमारा ऑफिस का सेटअप नहीं रेडी हो रहा तब तक हम ज़्यादा ओपनली आप लोगों के सामने नहीं आ रहे, लेकिन जैसे हम ऑन फ्लोर आ जाएंगे तो यहाँ के सिंगर से भी हम कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ के जो स्टूडियो ओनर्स हैं जो कि म्यूज़िक का काम कर रहे हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपना वीडियो का काम हमें दे, ताकि हम अपने क्रिएटिविटी के माध्यम से बिहार के म्यूज़िक वर्ल्ड में कुछ अच्छा करने की कोशिश करें, ताकि ऑडियंस को यहाँ पर कुछ डिफरेंट देखने को मिले। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वरुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।